हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। बेसिकली एजुकेशन स्पेस से बिलोंग करती है। आजकल अगर आप देखें तो हर जगह एडटेक जो कंपनीज़ हैं, राइट, उनकी खूब चर्चा हो रही है, राइट। बायजूस की वैल्यूएशन जो है दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, राइट। बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो लॉस मेकिंग है, लेकिन ऐसे में ऐसी भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री है उनकी और एक ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैनेजमेंट प्रूवन है और इस समय बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो ऐसी ही एक कंपनी जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसका नाम है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। तो नवनीत का ब्रांड का नाम डेफिनेटली आपने सुना होगा बचपन में, जो है आपने, अगर आप जो है बेसिकली स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो गुजरात या फिर महाराष्ट्र में, या फिर बहुत बार जो है स्टोरी बुक्स वगैरह आपने देखी होंगी, स्कॉलेस्टिक करके एक ब्रांड आता था, राइट। उसके अलावा स्टेशनरी पे आपने देखा होगा, तो ये सब चीज़ें जो है नवनीत जो है आपने देखा होगा उसके ऊपर लोगो लगा होता है, राइट। तो वही कंपनी है नवनीत एजुकेशन। बहुत पुरानी कंपनी है, 1950 से जो है ऑपरेट कर रही है। तो सबसे पहले ये डिस्कस करता हूँ कि मैं इस कंपनी को आखिर पढ़ने के लिए क्यों बैठा, राइट। क्या ट्रिगर था? हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है, राइट, जिसकी वजह से हमें लगता है यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको इस कंपनी का स्टॉक का चार्ट दिखाता हूँ। तो ये जो है कंपनी का पिछले 5 सालों का स्टॉक का चार्ट है, ये पिछले 10 सालों का स्टॉक का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या कि कोविड के टाइम पे ये कंपनी ऑलमोस्ट 60 रुपये के लो पे गई थी, मार्च 2020 में बता रहा हूँ। और उस समय पे हमें पता है कि क्या हुआ था, सारे के सारे स्कूल्स बंद हो गए थे, इनका रेवेन्यू जो था एक तरीके से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, खासकर जो इनके पब्लिशिंग जो इनकी बुक्स थी, क्योंकि उस साल बच्चे स्कूल ही नहीं गए थे 2020 2021 में, राइट। और फिर 2021 22 में भी आधे से ज़्यादा काफ़ी मेजोरिटी स्कूल्स बंद थे। तो इस वजह से हुआ क्या कि बेसिकली इनका जो रेवेन्यू मॉडल था वो इनको सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और ये जो है बेसिकली कंपनी का स्टॉक क्रैश कर गया। लेकिन मैं ये देख रहा था कि एक्चुअली में स्कूल रीओपनिंग थीम से रिलेटेड कोई स्टोरीज इंटरेस्टिंग जो है मिल सकती हैं क्या, कि भाई अब जैसे अगर आप देखें तो बहुत से स्कूल्स, बहुत से क्या, इनफैक्ट अब तो सारे के सारे ही स्कूल्स वापस से खुल गए हैं, राइट। तो हमें पता है कि भाई जब ये साइक्लिकल अपटर्न आएगा, तो हमें पता है कि भाई जैसे आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, अचानक से फार्मा कंपनीज बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करी थी, राइट, क्योंकि उनके पास एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड थी फार्मा कंपनीज के पास, राइट। सिमिलरली आईटी कंपनीज ने बहुत अच्छा किया था, उनके उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेलविंड मिली थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भाई फार्मा वापस से डाउन जा रहा है, आईटी कंपनीज का बहुत डीप करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन हमेशा किसी भी एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं से टेलविंड मिल रही होती है, और यहाँ पे जो एक सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड सेक्टर था और इस वजह से जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था इस सेक्टर में। जो ऑनलाइन वाले बेसिकली सेगमेंट्स थे, जिसमें घर से स्टडी करने वाला जो सेगमेंट था, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, लेकिन जो फिजिकल स्कूलिंग वाला सेक्टर है, राइट, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था और वहाँ पर ज़्यादा बेसिकली अच्छे नंबर्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन हमें पता है कि भाई जैसे ही अब स्कूल खुले हैं तो इस साल जो रेवेन्यू आने वाले हैं वो लगभग 2019-2020 वाला जो ईयर था उसके इक्विवेलेंट या उससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे, राइट। और जब मैंने देखने बैठा और मैंने देखा कि अच्छा 2019 में एक्चुअली में इस कंपनी ने 153 करोड़ के प्रॉफिट्स किए थे, 2020 में यानी मार्च 2020 यानी 2019-20 वाला जो ईयर था उसमें इस कंपनी ने 197 करोड़ के प्रॉफिट किए थे, राइट, जो कि अभी गिर के 56 करोड़ के हो गए हैं। इनफैक्ट इस साल 130 करोड़ के हो गए हैं, राइट। और इसमें भी अगर मैं 2022 में देखूं तो मेजॉरिटी इनकम ये 130 करोड़ में एक्चुअली अदर इनकम से आ रही है, ऑलमोस्ट 95 करोड़। और स्क्रीनर डॉट इन अदर इनकम को पी रेशियो निकालने में कैलकुलेट नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 26 का पी दिख रहा है, राइट। लेकिन इफेक्टिवली अगर ये प्रॉफिट आज की डेट में वही प्रॉफिट हो जाए जो 2020 का था, जो कि था 197 करोड़, तो 197 करोड़ के हिसाब से ये पीई बनता है, तो पूरी मार्केट वैल्यू है 2038 करोड़। तो मैं 2038 को डिवाइड करता हूँ 197 से, तो 2038 डिवाइडेड बाय 197 बनता है 10.34, राइट, है ना इंटरेस्टिंग। तो एक्चुअली में ये भले ही एक 26 का पीई दिखा रहा हो, लेकिन ये सिर्फ ऑलमोस्ट 10 के पीई पे कंपनी अवेलेबल है, राइट। और जब मैं इस कंपनी की वैल्यूएशन देख रहा था, जब मैं इसके पी रेशियो देख रहा था हिस्टोरिकली, तो एक्चुअली ये कभी भी 10 के पी पे अवेलेबल नहीं थी हिस्टोरिकली। पिछले 10 सालों में ये 19-20 के पी पे अवेलेबल थी, बिल्कुल ही जब 2013 में डाउन टर्न था तब जो है ये 11-12 के पी पे अवेलेबल थी,
और जनरली जो है 18-20 के आसपास की पीई पे अवेलेबल थी, ये इसका चार्ट है। कोविड के टाइम पे ज़रूर ये जो है 8 के पी पे अवेलेबल थी, बट जनरली अगर मैं इसका मीडियन वैल्यूएशन देखूँ, मीडियन पी मतलब पिछले 10 सालों का एवरेज, तो जो बेसिकली जो पी निकल के आता है वो है 19.6। तो उस हिसाब से मुझे लगा हो सकता है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, राइट? तो इस वजह से मैं इसे देखने बैठा। तो आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो यहाँ पर समझ में आ ही गई होगी कि एक्चुअली में कंपनी की थीसिस क्या है, थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी और इस कंपनी को और डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या बिजनेस करती है, उसके अलावा इसके मैनेजमेंट कौन हैं और किन किन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, क्या एग्जैक्ट टेलविंड्स हैं, क्या की रिस्क हैं, क्या की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि कंपनी करती क्या है। तो मेनली दो बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। पहला बिजनेस सेगमेंट है पब्लिकेशन बिजनेस और दूसरा है स्टेशनरी बिजनेस। अब पब्लिकेशन बिजनेस जो है बेसिकली इनका ब्रेड एंड बटर है। पब्लिकेशन सेगमेंट में बेसिकली जो स्कूल बुक्स होती हैं, राइट, स्कूल में जो किताबें वगैरह यूज़ होती हैं, जो सिलेबस की किताबें होती हैं, खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में, इन दो स्टेट से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है, राइट? तो वहाँ पे भी खासकर जो स्टेट बोर्ड है, जो SSC बोर्ड है, उस पर्टिकुलर बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें ये 65% का मार्केट शेयर रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट सभी स्कूल इनकी जो बुक्स हैं, नवनीत की जो बुक्स हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑथर्स। तो इनके पब्लिकेशन बिजनेस को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो ये एक्चुअली में इनका मोटेड बिजनेस है, क्योंकि ये पिछले 40-50 सालों से ये काम करते आ रहे हैं और जो स्कूल्स हैं उनके साथ इनके बहुत ही अच्छे रिलेशन एस्टैब्लिश हो गए हैं। तो अगर आपके बच्चे वगैरह हों तो आपने देखा होगा कि बेसिकली जितने भी स्कूल होते हैं वो अपनी बुक्स खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, खासकर फर्स्ट से लेकर 12th तक, राइट? बोर्ड एग्जाम्स को छोड़ दिया जाए जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स प्रिस्क्राइब होती हैं, लेकिन जनरली हर स्कूल अपनी बुक्स प्रिस्क्राइब करता है, कोई किसी ऑथर की, कोई किसी ऑथर की। अब इन्होंने 300 से ज़्यादा ऑथर्स के साथ टाई अप कर रखा है और जो कि जो है लार्जेस्ट है बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में, और इस वजह से इनके पास जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स हैं और जो कि प्रिस्क्राइब्ड होती हैं इन दो स्टेट्स में। अब क्योंकि इनकी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और इनकी ऑलरेडी एक अच्छी बॉन्डिंग है, इनकी ऑथर्स के साथ भी अच्छी जो है बेसिकली एक रिलेशन है, क्योंकि ऑथर्स को भी एक एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है पर बुक, जितनी बुक सोल्ड होती हैं उनको एक फिक्स्ड कट मिलता है। ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर पब्लिशर्स। बाकी जनरली पब्लिशर्स क्या करते हैं, एक फिक्स सेट ऑफ इनकम देते हैं, ये परसेंटेज बेसिस पे काम करते हैं, और क्योंकि इनका स्केल बाकी पब्लिशर से ज़्यादा है, ये एक तरीके की मोट भी आप कह सकते हैं इस बिज़नेस में, क्योंकि इसे आप एक तरीके से नेटवर्किंग इफेक्ट समझ सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑथर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा बुक्स होंगी, राइट? और जितनी ज़्यादा बुक्स बेसिकली अगर जितने ज़्यादा स्कूल से आपका टाई अप्स होगा उतने ही नए ऑथर्स आपके साथ आएंगे, राइट? तो बेसिकली 1:1 रिलेशन है, और जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स बेसिकली वो बुक्स पढ़ेंगे उतने ही और ज़्यादा ऑथर्स आएंगे। तो बेसिकली दोनों एक तरीके से नेटवर्क इफेक्ट बन रहा है, राइट? क्योंकि ए बेसिकली बी को ग्रोथ दे रहा है और बी ए को ग्रोथ दे रहा है, राइट? इस वजह से तो आई होप आपको थोड़ा सा बिजनेस मॉडल तो समझ में आया होगा। अब यहाँ पे भी तीन तरीके की बुक्स जो है मेनली प्रिस्क्राइब होती हैं। एक तो मेनली जो कोर्स बुक है जिसे सिलेबस की बुक बोलते हैं, उसके अलावा कुछ वर्कशीट्स वगैरह होती हैं, और उसके अलावा कुछ और जो है जिसे गाइड बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो वो बेसिकली इनका मेनली ये तीन तरीके की बुक्स हैं। ये तो रहा इनका पब्लिकेशन बिजनेस। अब पब्लिकेशन बिजनेस जैसा समझ में आ रहा है कि भाई B2C बिजनेस है, डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट हो रहा है और कस्टमर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, जो भी बुक्स जो है स्कूल प्रिस्क्राइब करेगा वही बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, राइट? इसीलिए यहाँ पे भले ही जो मेन रॉ मटेरियल है वो पेपर है, राइट, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट पास ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर पेपर की प्राइसेस हाई जाती हैं तो ये आसानी से पेपर की प्राइसेस को पास ऑन कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो प्राइजिंग पावर है वो इनके पास अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ यह है, ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। यहाँ पे 25-30% तक के एबिटा मार्जिन्स देखने को मिलते हैं इस कंपनी में। तो ये तो है इनका मेन सेगमेंट। अगर ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू इस साल पब्लिकेशन बिजनेस से आया है, और 59% जो रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू स्टेशनरी बिजनेस से आया है, जो कि दूसरा बिजनेस है। अब इस स्टेशनरी बिजनेस को भी थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो स्टेशनरी बिजनेस में मेनली इनका जो स्कॉलिस्टिक ब्रांड है वहाँ उसके नाम से ये स्टेशनरी इंडिया में और एक्सपोर्ट करते हैं। इनका मेन कॉम्पिटिटर देखें तो क्लासमेट की बुक्स आती हैं, राइट, क्लासमेट की स्टेशनरी आती हैं, नोटबुक्स आती हैं, राइट, तो वो इनका मेन कॉम्पिटिटर है।
अब यहाँ पे कंपेयर टू पब्लिकेशन बिजनेस मार्जिन्स काफ़ी कम हैं। अगर हिस्टोरिकली देखें तो 10-15% के बीच में मार्जिन्स रहे हैं। यहाँ पे इनके मेनली डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेगमेंट दोनों में काम करते हैं, और एक्सपोर्ट जो है इनकी काफ़ी अभी पिछले 1-2 सालों में नई अपॉर्चुनिटी निकल के आई है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट के जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है। अब यहाँ पे इस पूरी कंपनी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये कि जो बेसिकली अप्रैल मई जून यानी कि जो जून क्वार्टर होता है, इन 3 महीनों में स्कूल्स खुलते हैं, राइट, स्कूल के नए सेशन स्टार्ट होते हैं। और जब नए सेशन स्टार्ट होते हैं तो हमें पता है सब बच्चे बुक्स खरीदते हैं, सब बच्चे स्टेशनरी खरीदते हैं। तो इन 3 महीनों में यानी कि जो अब नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, इनका 70% रेवेन्यू इन तीन महीनों में ही बुक होता है। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, जून 2019 जो कि एक नॉर्मल ईयर था, 2019 से लेकर 2020, जून 2019 में 812 करोड़ के रेवेन्यू थे, फिर आप देखिए 253, 197, 251, तो रेवेन्यू मेजॉरिटी रेवेन्यू इस क्वार्टर में आते हैं, राइट। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है कि ये क्वार्टर, अब अगला क्वार्टर आने वाला है और यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 800 से 900 करोड़ के रेवेन्यू कम से कम बुक होंगे, क्योंकि अब स्कूल खुले हैं। इस साल काफ़ी बच्चों ने जो है, सभी बच्चों ने जो है अपने नए बुक्स खरीदी होंगी, तो ये रेवेन्यू बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जून 2022 में। और इनफैक्ट अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो आप देखिए इस क्वार्टर में देखिए 146 करोड़ के प्रॉफिट आए थे जून क्वार्टर में, और वहाँ यहाँ पे 23 करोड़ माइनस 5 करोड़ 33 करोड़, तो मेजॉरिटी प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट इस एक क्वार्टर में आता है। और अगर आप करंट ईयर में देखें तो जब ये बेसिकली ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर जून 2022 में मान लीजिए 146 करोड़ का ही प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, 146, मैं एक्चुअली आपको टोटल करके दिखाता हूँ। तो 146 प्लस 571 और 41, 571 प्लस 41, तो ये बात है 263 करोड़ का प्रॉफिट, राइट। तो 263 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 2038 जो कि इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है डिवाइडेड बाय 263 जो कि आता है 7.7 का पीई, राइट। तो मतलब इफेक्टिवली मुझे लगता है कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गई है। तो यहाँ पे मैं पीटर लिंच की अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। पीटर लिंच बोलते हैं कि भाई इस तरह कंपनीज जो कि स्टैलवर्ड कंपनीज हैं, तो स्टैलवर्ड कंपनीज क्या होती हैं, मीडियम ग्रोअर या दिग्गज कंपनियाँ इसे बोला जाता है, जो कि 10-15% ग्रो करती हैं। तो इसको भी मैं एक्चुअली उसी कैटेगरी में, मेरे को लगता है ये उसी कैटेगरी में फॉल करती है, 10-15% ग्रोथ वाली। तो ऐसी कंपनीज को बोलते हैं कि हमें तब खरीदना चाहिए जब वो हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो, और जब वो हिस्टोरिकली अपनी वैल्यूएशन से ज़्यादा एक्सपैंडेड वैल्यूएशन पे हो तो हमें उसे सेल कर देना चाहिए और किसी दूसरे स्टैलवर्ट में मूव कर जाना चाहिए। तो ये उनकी मेन फिलॉसफी थी जो कि मैं फॉलो करता हूँ, और यहाँ पे मुझे लगता है एक थोड़ा सा रीजनेबल वैल्यूएशन इस समय मुझे नज़र आता है, जो कि अभी एग्जैक्टली नंबर्स में नहीं दिख रहा है, लेकिन एक क्वार्टर के बाद, आज से 3 महीने के बाद एक्चुअली में नंबर्स में दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अभी इन दो सेगमेंट्स के आपको मार्जिन भी कंपेयर करके दिखाता हूँ कि भाई जो स्टेशनरी सेगमेंट है और जो पब्लिशिंग सेगमेंट है, मैं बता रहा था आपको कि पब्लिशिंग में ज़्यादा अच्छे मार्जिन हैं, तो एक्चुअली में कितने मार्जिन हैं और दोनों के ग्रोथ रेट में कितना डिफरेंस है, तो जो स्प्लिट है वो किस हिसाब से है। तो पहले ग्रोथ की बात करता हूँ, तो ग्रोथ आपको यहाँ पे 2011 से लेके 2022 तक के नंबर्स मैंने प्लॉट किए हैं। ये सेल, ये बेसिकली सेल है और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट्स दिखा रहा हूँ। तो पहले सेल की बात करते हैं, यहाँ पे 2021 और 2022 इन्हें मैं अभी के लिए इग्नोर करूँगा, क्योंकि ये जो दो हैं ये एक्सेप्शनल ईयर्स हैं। तो मैं बेसिकली 11 से लेके 20 तक की बात करूँगा, 2023 एक नॉर्मल ईयर होने वाला है तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन 2011 से लेकर 2020 तक जो सेल ग्रोथ आई है स्टेशनरी सेगमेंट में, वो 232 करोड़ से बढ़ के 741 करोड़ हुआ है, जो कि 13.77% की कैगर रिटर्न पे ग्रो करा है। और पब्लिशिंग बिजनेस की बात करूँ तो पब्लिशिंग बिजनेस 311 करोड़ से बढ़ के 769 करोड़ हुआ है, जो कि 10.58% से ग्रो हुआ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेशनरी बिजनेस है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिशिंग बिजनेस, और स्टेशनरी बिजनेस के मार्जिन कम हैं। तो अगर आप करंट ईयर में देखें 2020 में, तो जो स्प्लिट है वो ऑलमोस्ट 50-50% का है, जितना 741 करोड़ का रेवेन्यू इससे आ रहा है और पब्लिशिंग से भी लगभग 740-760 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। तो आई होप सेल मिक्स आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिट मिक्स देखते हैं, तो प्रॉफिट्स भी 2011 से लेके 2020 तक इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 15.64% से ग्रो कर रहे हैं स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के, और पब्लिशिंग कंटेंट बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो 9.33% से ग्रो करे हैं।
और करंट बिजनेस में देखें तो क्योंकि इसके मार्जिन ज़्यादा हैं तो इसीलिए यहाँ पे जो पब्लिशिंग कंटेंट है वो ऑलमोस्ट रेवेन्यू तो लगभग बराबर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 192 करोड़ के प्रॉफिट हैं इसके 122 करोड़ के। तो आई होप आपको प्रॉफिट में भी समझ में आया होगा। तो प्रॉफिट एक्चुअली में स्टेशनरी प्रोडक्ट क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है इसीलिए उसके प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ कंपनी के मार्जिन इन दो सेगमेंट में। तो यहाँ पे स्टेशनरी प्रोडक्ट के मार्जिन 14%, 10%, 14%, 12%, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक अगर आप देखिए तो 10 से 14% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहे थे 2019 तक, और फिर 2020-21-22 में बढ़ के 17% के हो गए हैं, राइट। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये एक्चुअली में हिस्टोरिकली हाईएस्ट मार्जिन है अगर आप देखें तो। आज तक कभी भी 17% के मार्जिन नहीं थे, इस साल 17% के हैं। और पब्लिशिंग जो बिज़नेस है उसके मार्जिन्स भी देख लेते हैं, उसके मार्जिन्स 28% के थे और यहाँ पे आप देखिए बहुत कम फ्लक्चुएशन है, 28, 30, 31, 33, 33, 32, 34, 27, 28, 25, तो ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास के मार्जिन रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए 0%, 10%, तो ये दोनों एक्सेप्शनल ईयर्स हैं। इस साल मुझे लगता है वापस 25-30% के मार्जिन क्लॉक करेंगे अपने पब्लिशिंग बिजनेस में। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था कि ये मार्जिन स्टेशनरी बिजनेस के इम्प्रूव क्यों हुए हैं, 10 से 17% क्यों गए हैं। वो इसलिए गए हैं क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और जो अब जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ आ रही है वो डोमेस्टिक की बजाय एक्सपोर्ट बिजनेस से ज़्यादा अच्छी आ रही है। और एक्सपोर्ट बिजनेस में जो मार्जिन हैं जैसे वॉलमार्ट हुआ, टारगेट हुआ, ये बड़ी बड़ी जो चेन्स हैं ये इनकी स्टेशनरी अक्वायर करती हैं और इनके जो मार्जिन हैं वो काफ़ी बेटर हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो शिपिंग कॉस्ट भी लगती होगी, शिपिंग क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट हाई है, इस वजह से तो इनके मार्जिन डिप होने चाहिए थे लेकिन एक्चुअली में डिप क्यों नहीं हुए। और उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि भाई ये जो इनकी मैं कॉन्फ कॉल सुन रहा था ये बताते हैं कि भाई हम शिपिंग में बेसिकली वो नहीं करते हैं डील, जो कंटेनर हैं वो बेसिकली जो कंपनी खरीद रही होती है वो खुद अरेंज करके देती है और वो जो है शिपिंग कॉस्ट बेयर करते हैं। तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इस वजह से एक्चुअली में इनके मार्जिन इम्पैक्ट नहीं हुए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सपोर्टर्स। और यहाँ पे एक्चुअली एक और थीम प्ले आउट हो रही है चाइना प्लस वन की। तो चाइना जो कि अभी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टेशनरी है वो धीरे धीरे जो है अब इंडिया का शेयर भी बढ़ रहा है। इंडिया अभी बहुत ज़्यादा छोटा प्लेयर है, 5-7% के आसपास मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है चाइना प्लस वन की वजह से और इस वजह से इन्हें ये ग्रोथ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर गाइडेंस देखें तो कंपनी बोल रही है हम एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस है स्टेशनरी का वो 25% से ग्रो करेंगे ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। मैं एक्चुअली आपको इनकी कॉन्फ कॉल का एक स्निपेट भी दिखाता हूँ जहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं। अब वापस आते हैं ग्रोथ पर और एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पे और बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आप पब्लिशिंग बिजनेस की ग्रोथ देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि देखिए 2000 जनरली जो ग्रोथ है वो एवरेज 10.58 है लेकिन बीच बीच में 2013 में अगर आप देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए 30% की अचानक से ग्रोथ आई, यहाँ पे आप देखिए 27% की अचानक से ग्रोथ आई। तो हर 3 से 4 साल के बाद अचानक से एक ग्रोथ में एकदम से बहुत तेज़ी आती है जहाँ पे ये 25-30% से ग्रो करते हैं। उसका क्या रीज़न है? और उसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है और जो मैनेजमेंट बताती है वो ये है कि बेसिकली होता क्या है कि हर 3 साल के आसपास जो सिलेबस है, जो बुक्स है, उसे चेंज किया जाता है किसी भी स्कूल में। और जब भी वो सिलेबस चेंज होता है तो नई बुक्स प्रिस्क्राइब होती हैं या सेम बुक्स के नए एडिशन प्रिस्क्राइब होते हैं और उस समय पे कंपनी के जो मार्जिन हैं वो अचानक से जंप करते हैं और कंपनी की जो ग्रोथ है वो अचानक से जंप करती है क्योंकि सब लोग उन नई बुक्स को ख़रीदते हैं। वरना होता क्या है कि हर साल लोग पुरानी बुक्स यूज़ करते हैं, काफ़ी बच्चे सेकेंड हैंड बुक्स ले लेते हैं, काफ़ी बच्चे अपने सीनियर से बुक्स ले लेते हैं, राइट। आपको पता होगा, आपने भी शायद, मैं तो हमेशा ये ऐसा करता था कि हर साल अपने सीनियर से बुक्स ले लेता था कि उनकी बुक्स पुरानी हो गई तो मैं यूज़ कर लेता था और फिर नेक्स्ट ईयर मैं किसी और को अपनी बुक्स देता था। तो सेम चीज़ इस वजह से जो है ये इसका प्राइम रीज़न है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो इस बार की कॉन कॉल में कंपनी ने कही है और वो ये है कि भाई कंपनी बोल रही है कि 2024 में नया सिलेबस प्रिस्क्राइब होगा क्योंकि नई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जब नया बेसिकली सिलेबस आएगा तो फिर हमें ये 25-30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बिजनेस तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनका नाम, जो इस कंपनी के CEO हैं, MD एंड CEO, उनका नाम है सुनील गाला। एक्चुअली में गाला फैमिली जो है 1958 से ये बिज़नेस चला रही है। आज की डेट में बात करें तो सिर्फ ये ही नहीं, ये तो एक्चुअली में CEO हैं लेकिन
इस फैमिली के, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, इस फैमिली के 12 लोग इस बिजनेस में ऑलरेडी बिलोंग करते हैं। ये जो सुनील गाला हैं ये सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेनर हैं, और इसका इस बेसिकली जो इनकी ज्वाइंट फैमिली है उनके जो थर्ड जनरेशन वाले एंटरप्रेनर हैं वो भी इस बिजनेस में एक्चुअली में पार्ट लेते हैं, वो भी इस कंपनी में एक्चुअली ऑपरेट करते हैं। तो ये थी इस कंपनी की मैनेजमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं की अपॉर्चुनिटीज़ की और की रिस्क की, राइट। फिर फाइनली वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है वो है स्कूल रीओपनिंग। ये हमें समझ में आ ही रहा है, स्कूल खोलेंगे, जो वापस 2019-20 वाला बिजनेस है वो वापस आएगा, स्टॉक अचानक से रीरेट होने के चांसेस हैं मुझे लगता है, और अचानक से जो पी है वो बहुत तेज़ी से श्रिंक करेगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 2024 में आने वाला है, जो कि है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नया सिलेबस आएगा, तब 25-30% की ग्रोथ आएगी पब्लिशिंग बिजनेस में। तीसरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो है एक्सपोर्ट बिजनेस, जो कंपनी बोल रही है 25% से ग्रो करेगी अगले 3 सालों तक, और 100 करोड़ का केपेक्स कर रही है इसी सेगमेंट में। कंपनी बोल रही है कि हम 100 करोड़ के नया प्लांट लगाएंगे, जो कि आने वाले 3 सालों में धीरे धीरे अगले 2 सालों में आई थिंक 40 करोड़ और उसके बाद बियॉन्ड 60 करोड़ और खर्च करेंगे, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। तो ये थी मेन मेन अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, इसे आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये एक ऑप्शनैलिटी है, अगर प्ले आउट कर जाए तो अच्छा है, नहीं करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो है बेसिकली इनकी जो इन्होंने बहुत सारी स्टार्टअप्स में और बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स में अपना पैसा लगाया हुआ है, और अगर वो प्ले आउट करते हैं तो वो वेल एंड गुड, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसमें बेसिकली प्राइमरली जो डिजिटल एजुकेशन है, जो कि एक थ्रेट भी है, उसको काउंटर करने के लिए काफ़ी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अलावा इन्होंने बेसिकली जो बच्चों की एजुकेशन होती है, यानी कि नर्सरी नर्सरी केजी जो छोटे बच्चों की एजुकेशन होती है, जैसे आपने बैंगलोर में या बड़े शहरों में अगर आप हो तो आपने फ्लिंटो का नाम सुना होगा, फ्लिंटो क्लासेस, तो उसका कॉम्पिटिटर ये एक्चुअली में लॉन्च कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, कि मतलब होम स्कूलिंग टाइप का, जहाँ पे आप बच्चों को किट्स भेजते हैं और पेरेंट्स जो है बेसिकली होम स्कूलिंग करा सकते हैं। तो वो है दूसरी ऑप्शनैलिटी। तीसरी है ये एक्चुअली में एक स्टार्टअप है, जो कि बेसिकली K12 के नाम से, जिसमें ये इन्होंने ऑलमोस्ट 27% की स्टेक है इनके पास, जो कि स्कूल मैनेजमेंट में बेसिकली ऑपरेट करती है। तो जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, बड़े स्कूल्स होते हैं, जैसे ऑर्चिड करके एक बैंगलोर में स्कूल है, वो एक्चुअली में ये मैनेज करते हैं, और बहुत से स्कूल हैं, आई थिंक 25-30 स्कूल हैं जो इस कंपनी, जो ये कंपनी मैनेज करती है। ये प्राइमरली एक इन्वेस्टमेंट है, जो कि ये कंपनी बोलती है कि भाई जो हमारा 27% स्टेक है, रिसेंट वैल्यूएशन पे एक्चुअली में 600 करोड़ का वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहा है, तो वो एक तरीके से आप उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझ सकते हैं। अगर ये अपना स्टेक सेल करते हैं तो वहाँ से एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ मनी आ सकता है। उसके अलावा रिसेंटली इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी, एक्वायर क्या मतलब अपना स्टेक खरीदा, बेसिकली 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे SFA बोल के है, जो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की एक बेसिकली कंपनी है, जो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे इन्होंने स्टेक लिया हुआ है। तो इन कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ये सब ऑप्शनैलिटीज़ हैं, अगर प्ले आउट करती हैं तो वो एडिशनली हो सकती हैं, बट इन्हें मैं अपनी वैल्यूएशन में एक्चुअली मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट इन्हें मैं काफ़ी हद तक रिस्क भी देख रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ जो बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हैं काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे करी हैं। आगे रिस्क के टाइम पे इसे और डिटेल में आपको बताऊंगा। और फाइनली हाँ, एक अपॉर्चुनिटी और है, वो है जो इन्होंने ब्रिटानिका का एक्विजिशन किया था। तो बचपन में आपने ब्रिटानिका की और डिक्शनरी या फिर इंसाइक्लोपीडिया जरूर यूज़ करी होगी। तो ब्रिटानिका एक्चुअली में CBSE बोर्ड की बुक्स भी पब्लिश करता है, तो उस पब्लिशर को इन्होंने अक्वायर करा, उसे रीनेम करा इंडेनिका के नाम से, और वहाँ से ये CBSE बोर्ड में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट है एंटर करना, पर बोल रहे हैं कि 10-15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ सालों तक। तो ये बेसिकली मेन मेन ऑप्शनैलिटीज़ थी। तो आई होप आपको इनकी अपॉर्चुनिटीज समझ में आ गई हूँ। अब बात करते हैं रिस्क की, कौन कौन से मेन रिस्क हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क है डिजिटल, राइट। वो क्योंकि ये बेसिकली फिजिकल बुक्स में ज़्यादा डील करते हैं, अगर डिजिटल का पुश बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होता है एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा स्कूल्स डिजिटल की तरफ मूव करते हैं, तो इनको रिस्क हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्टेट बोर्ड्स में जो है बेसिकली डील करते हैं, जहाँ पे जो चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। मैनेजमेंट भी बोल रही है कि भाई स्टेट बोर्ड्स में ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल एजुकेशन का, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जनरली थोड़े लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके घर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो घर पे एजुकेशन ले सकें। मे बी बहुत सारे होते हैं लोग फैमिली में, या फिर वैसा इन्वायरमेंट नहीं होता पढ़ने वाला। तो इन सब रीजंस की वजह से ये रिस्क उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं लग रहा है मुझे, बट
एनीवेज, बट ये भी एक रिस्क है। दूसरा एक रिस्क है, अगर बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के आप देखें स्कूल्स अब धीरे धीरे सीबीएसई में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो वो एक रिस्क साबित हो सकता है। अगर मास में जो है ऐसा होता है तो वो हमें ट्रैक करना होगा कि नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं। आज की डेट में अगर देखें तो 25,000 स्कूल से इनके रिलेशन है, अगर वो धीरे धीरे कम होता है नंबर तो वो हमें हर साल ट्रैक करना होगा। एक और रिस्क मुझे नज़र आता है वो है फैमिली ओन्ड बिजनेस है, तो फैमिली ओन्ड के बिजनेस के भी कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। अगर आपस में फैमिली फाइट होती है या इस टाइप का कुछ होता है तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है। हालांकि मैं इनके मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू देख रहा था रिसेंटली, उसकी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, जिसमें वो बोल रहे थे कि बेसिकली 1980s में ही इनके जो पेरेंट्स थे, जो इनके फोरफादर्स थे, उन्होंने एक बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसके तहत वो फैमिली बिजनेस ऑपरेट करना था, और जो भी बंदा इनकी फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करता है उसे उस पर साइन करना पड़ता है। और उसमें ये लिखा है कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के आपको बिजनेस किस तरीके से आपको चलाना है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो एक वेल मैनेज्ड फैमिली बिजनेस मुझे लगा। एंड दूसरी चीज़, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बोली कि हम बेसिकली जितने भी कम्युनिकेशन होता है अगर एक फैमिली मेम्बर को दूसरे फैमिली मेम्बर को करना है तो हम रिटर्न में करते हैं, वो हमारा एक प्री सेट रूल है, तो वो रिटर्न में करने की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही नहीं होती हैं, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है इनकी फैमिली में। और फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क, जितने भी ये एक्विजिशंस ये कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिच वैल्यूएशंस पे कर रहे हैं। जो SFA है, जो रिसेंट इन्होंने स्टेक खरीदा है, वो 70 करोड़ में स्टेक खरीदा है और कंपनी सिर्फ 7.5 करोड़ का रेवेन्यू करती है, तो बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड वैल्यूएशन पे स्टेक खरीदा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी बोल रही है कि हम और ज़्यादा अब एक्विजिशंस या और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। इनका जो एग्जिस्टिंग एक इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया था ईसेंस के नाम से, जो इनका प्लेटफॉर्म है, और सॉरी K12 के नाम से जो इनका स्कूल मैनेजमेंट वाला प्लेटफॉर्म है, वो इनको काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न देखे गया, ऑलमोस्ट 3 times रिटर्न देखे गया। इन्होंने लगभग 150-200 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, जो आज 500-600 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, तो उस सेंस में वो इन्वेस्टमेंट तो इनका काफ़ी अच्छा करा है। तो चलिए, अब पूरी थीसिस तो आपको समझ में आ ही गई होगी, अब जल्दी से मैं आपको कंपनी के नंबर्स दिखा देता हूँ, वैल्यूएशन दिखा देता हूँ, मुझे क्या लगता है, और अपना कंक्लूजन भी बता देता हूँ। तो इस कंपनी के नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी की सेल 2022 तक, 2023 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस 2020 वाली सेल वापस आएगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 27% की ग्रोथ मानी है। उसके बाद मैं एक एवरेज ग्रोथ मान रहा हूँ 10% की, और फिर 2025 में मैं 20% की मान रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट बोल रही है कि 2024 में बेसिकली क्या होगा, नया सिलेबस आएगा, तो इसलिए FY25 में मैं मान रहा हूँ कि 20% की ग्रोथ, और बाकी नॉर्मल ईयर्स में मैं 10% की ग्रोथ मान रहा हूँ। ये मुझे एक रीजनेबल एस्टिमेट लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो इनका स्टेशनरी बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। मार्जिन मैंने वापस से यहाँ पे अगर आपको मार्जिन दिखाता हूँ, हिस्टोरिकली अगर आप मार्जिन देखें तो 22-24% के मार्जिन रहे हैं इस बिज़नेस में, लेकिन क्योंकि अभी क्या हो रहा है, स्टेशनरी सेगमेंट बड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है वो 23-25% वाले मार्जिन शायद ना आ पाएँ, क्योंकि बेसिकली स्टेशनरी बिजनेस में 15-16% के मार्जिन हैं, तो इसीलिए मैं इसके जो मार्जिन हैं वो 20% मान रहा हूँ बजाय 23-24% के। और बाकी सब जो है स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, डिप्रिसिएशन को मैं स्टैंडर्ड तरीके से बढ़ा रहा हूँ, हर साल 8% से बढ़ा रहा हूँ। टैक्स लैब मैंने 35% का माना है, हालांकि हो सकता है इससे कम ही टैक्स एक्चुअली पे करें, मे बी 27-28% करें, बट रिसेंटली कुछ ईयर्स में 38% भी पे किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे जो स्लैब है वो 35% का मान रहा हूँ। और 15 का PE दे रहा हूँ इन FY26, तो जो स्टॉक की प्राइस नज़र आती है 156 रुपीज़ की आती है, जो कि 15% का कैगर बनता है फ्रॉम 22, जो कि करंट प्राइस है 90 to 156, तो एक डिसेंट रिटर्न की अपॉर्चुनिटी लगती है। बट यहाँ पे जो मेरा मेन गोल है, यहाँ पे एक्चुअली एक टेबल और भी दिखा देता हूँ कि कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, तो कितने पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 18% चाहिए तो 80 पे, 20% चाहिए तो 75 पे, 23% चाहिए तो 68, 25% चाहिए 64। तो यहाँ पे जो मेरा मेन गोल है वो ये दिखाना नहीं है, ये एक्चुअली मे बी एग्जैक्टली ऐसा ना प्ले आउट करे, बट यहाँ पे बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड मेजर करने की कोशिश है। आप चाहें तो इसमें अपने नंबर्स डालिए, आप खुद से जो है अपना वैल्यूएशन निकालिए और देखिए कि आपको क्या लगता है। अब मेन जो मेरा रीज़न है, जो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी और बुलिश हूँ मैं इस कंपनी के लिए, वो है नेक्स्ट क्वार्टर में इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ रहा है, जैसा मैंने बताया था वो है जून क्वार्टर, और इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी अर्निंग आएगी, तो मुझे लगता है कि भाई ये स्टॉक रीरेट हो सकता है। जैसे ही ये PE जो है 10 के आसपास पहुँचेगा, तो लोग को लगेगा कि हाँ एक्चुअली में ये एक अच्छा बिजनेस है, और मे बी इसको रीरेट करके वापस 15-20 के PE पे ले जाएं, और वहीं ये जो 40-50% की जो अपॉर्चुनिटी है इन नेक्स्ट 1 ईयर, वो मुझे नज़र आती है। हो सकता है एक्चुअली में ना फुलफ़िल हो, एक्चुअली में ना हो, लेकिन
वही इन्वेस्टिंग है, राइट? आप रिस्क और रिवॉर्ड मेजर करते हैं। अब कोई मुझे बोलेगा कि हाँ ये तो सिर्फ 10% ग्रोइंग कंपनी है, तो 10% तो ग्रोथ ही नहीं है, तो ऐसी बिजनेस में क्यों ही इन्वेस्ट करना है। तो आपको अपना टाइम फ्रेम देखना है, आपको लॉन्जिटिविटी देखनी है। इस बिजनेस में लॉन्जिटिविटी है तो मुझे लगता है आने वाले 10 साल 15 सालों में भी ये 10% से हर साल ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि एसेंशियल बिजनेस है, राइट? तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना है कि कल को बुक्स यूज़ करना बंद हो जाए या स्कूल्स बंद हो जाए। तो एसेंशियल बिजनेस है, B2C सेगमेंट है, तो प्राइजिंग पावर है बिजनेस में। इन सब रीजंस की वजह से भले ही 10% वाला ग्रोइंग बिजनेस हो, लेकिन 10 के PE पे भी तो अवेलेबल है, राइट? तो इसीलिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो अब मैं खरीद रहा हूँ या नहीं खरीदना उससे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। हालांकि मैं इस पर थोड़ा बुलिश हूँ, तो मे बी मैं इसमें खरीद भी रहा हो सकता हूँ। अभी मेरी कोई ज़्यादा छोटी सी पोजीशन है, आगे जाके और हो सकता है मैं बढ़ाऊँ, मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन ये मेरी ओवरऑल थीसिस थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको समझ आया होगा कि ये बिज़नेस क्या था। और इसी तरीके की आप यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।